और उल्लंघित मर्यादाओं को इस कदर एक नई परिभाषा देना जिसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता एक 100 वर्षीय महिला का अपमान इसलिए करता है क्योंकि उस मां ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का आशीर्वाद पा प्रधान सेवक का दायित्व का निर्वाह किया। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। आपने प्रधान सेवक की मां का अपमान नहीं किया, आपने गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी, ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि बिना अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन, अरविंद केजरीवाल द्वारा सौंपा गया दायित्व, इसके बिना एक शब्द नहीं बोलता। तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हों, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है। क्या ये पहली बार है कि गुजरात के इस आम आदमी पार्टी के नेता ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है? हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू महिलाएं, मंदिर, इस हर विषय पर टिप्पणी की गई है अमर्यादित। क्या अरविंद केजरीवाल नहीं जानते कि किस प्रकार का बयान उनके नेता कर रहे हैं? ये जानते हुए अरविंद केजरीवाल के इंस्ट्रक्शन पर, नरेंद्र मोदी जी की माताजी पर इस प्रकार से अभद्र प्रहार हुआ है। शब्द आम आदमी पार्टी के एक नेता के भले ही हों, आदेश अरविंद केजरीवाल का है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और